फ्रेंड स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गीता इंडस्ट्री में। फ्रेंड बचपन से हम सुनते आ रहे हैं डीएनए, लेकिन हमने आज तक डीएनए को कभी रियल में देखा नहीं है और हमने इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की है। खैर कॉलेज लेवल पे वो अलग होता है, कुछ मेडिकल ऐसे कोर्स होते हैं जिसमें डीएनए से ही रिलेटेड स्टडी होती है। लेकिन फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं इतनी इजी ट्रिक आपको बताने वाला हूँ कि आप घर पर भी अपने डीएनए चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको मात्र 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो है डिटर्जेंट जो कि आपके घर पर इजीली अवेलेबल है। मैं विम बार यूज़ कर रहा हूँ नॉर्मली क्योंकि लिक्विड फॉर्म में रहता है। आपको ज़रूरत पड़ेगी सॉल्ट की, सॉल्ट भी आपके घर पर नॉर्मली अवेलेबल रहेगा, लेकिन आई थिंक इथेनॉल आपके घर पर अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन डीएनए आइसोलेशन यानी डीएनए निकालने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इथेनॉल ही लगता है। अगर आपको ये मंगाना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। और नॉर्मली टेस्ट ट्यूब, अगर टेस्ट ट्यूब आपके पास नहीं है तो आप जो कांच के बर्तन होते हैं या कांच का ग्लास होता है आप उसमें ये प्रोसेस कर सकते हैं। वैसे तो फ्रेंड डीएनए हमारे पूरे शरीर के अंदर होता है, हमारे बालों के अंदर, स्किन के अंदर, ब्लड के अंदर, बोन्स के अंदर, नाखून के अंदर। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम हमारे चिक सेल्स के थ्रू हम हमारे डीएनए को टेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले नॉर्मली हमें एक ग्लास लेना है और उसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, इतनी क्वांटिटी, बहुत से बहुत हमें 50 ml नॉर्मली हमें उसके अंदर पानी डालना है और इसके अंदर हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। तो फ्रेंड हमारी फर्स्ट स्टेप यह है कि हमें अब इन दोनों को ही आपस में अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो फिर मिक्स करने के बाद अब जो हमारे जो लिक्विड बना है हमें इसको हमारे मुंह के अंदर रखना है ताकि हमारे जो चिक सेल्स हैं वो इससे रिएक्ट करके हमारे सॉल्ट वाटर के अंदर आ जाए। हमें इस पानी को कम से कम 1 से 2 मिनट हमारे मुंह के अंदर रखना है और उसके बाद हमें इसको वापस उसी ग्लास के अंदर रख लेना है। आप इसके लिए 2 सेपरेट ग्लास यूज़ करिए, एक का आप पीजिए और एक में आप उसको निकाल लीजिए। तो फ्रेंड्स ये बात मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब इसे मैं अपने मुंह में थोड़ा रखूँगा थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए तब मैं आपसे बोल नहीं पाऊँगा। बोलूँ इसे आप नॉर्मली अपने मुँह में रखेंगे। फ्रेंड जो सॉल्यूशन हमने हमारे मुंह में 2 से 3 मिनट रखा था उसको हमने वापस हमारे ग्लास के अंदर रख लिया है और अब हमें नॉर्मली टेस्ट ट्यूब के अंदर उस सॉल्यूशन को डालना है। तो ये है हमारा वो सॉल्यूशन और अब हम नॉर्मल इसमें हम डिटर्जेंट को ऐड करेंगे, यानी इसके अंदर हम थोड़ी सी मात्रा में डिटर्जेंट डालेंगे जिसके कारण हमारे जो सेल है वो सेल वॉल को तोड़ देगा। तो फ्रेंड डिटर्जेंट डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर तक कम से कम 3 से 4 मिनट तक हम इसको मिक्स करेंगे ताकि जो हमारी चिक सेल्स हैं वो अच्छी तरह से ब्रेक हो जाए और उनके अंदर का जो डीएनए है वो सेल तोड़कर यानी उसकी जो सेल्स है उससे वो बाहर आ जाए। इसको हम नॉर्मली फिल्टर करेंगे या फिर हम इसको 2 से 3 मिनट या फिर रख भी सकते हैं। तो गाइज अभी अच्छी तरह से मिक्स हो गया होगा और अब हम इसके अंदर इथेनॉल को ऐड करेंगे। इसकी क्वांटिटी हम थोड़ी सी ज़्यादा लेंगे। तो गाइस अब हमें इसको नॉर्मली मिक्स करना है। तो गाइस जैसे ही आप उसके अंदर इथेनॉल को ऐड करेंगे और ऐड करने के 1 से 2 मिनट के अंदर आप इस टाइप के रैशेस देखेंगे। फ्रेंड यही रैशेस आपके डीएनए होते हैं, आप देख सकते हैं कि वाइट कलर के होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लार्ज होते हैं सेल वॉल के अंदर। यही डीएनए हमारे चिक सेल्स के अंदर थे। जैसे ही हमने इसके अंदर इथेनॉल को ऐड करा जैसे डिटर्जेंट के बाद तो आप देख सकते हैं कि पूरा इन्होंने अपनी सेल वॉल तोड़ के डीएनए है उनका जो प्रॉपर मटेरियल है वो बाहर आ चुका है।